और आप खुश हो फाइनली आप बाहर आ गए? हाँ डेफिनेटली मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. मतलब मुझे तो ऐसा लगा था कि पता नहीं शायद मैं बाहर आऊंगी या नहीं, यू नो, मतलब बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर इट डेस्परेटली. फाइनली आई एम आउट एंड आई एम फीलिंग रिलीव्ड, आई एम हैप्पी. जर्नी मतलब ऐसा था कि बहुत ही पहले ऐसा था कि बम्पी रोड और फिर बीच में वो स्मूथ हो गया, फिर वापस से बम्पी रोड में आ गई. तो ऐसा उतार चढ़ाव रहा है काफ़ी, बट स्टिल आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस जर्नी. वेल, जिस तरह से कहा जा रहा था कि मतलब काफ़ी बिग बॉस के घर वालों को भी ये क्यूरियोसिटी थी, बार बार आपको पूछा जा रहा था, तो हम भी जरूर पूछना चाहिए कि एग्जैक्टली अभिषेक के साथ इक्वेशन होना, वॉज इट फॉर गेम और वॉज इट फॉर रियल, उसके बारे में अगर आप कुछ क्लियर कर दें चीज़ें. नहीं नहीं, इट वॉज नॉट फॉर गेम, इट वॉज नॉट फॉर गेम, डेफिनेटली इट वॉज नॉट फॉर गेम. अगर वो गेम के लिए होता तो शायद वो दिख जाता. बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, हर एक चीज़ मैटर करता है, यू नो. तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो लव एंगल बनाया जा रहा था पर्पसली. इट वॉज जस्ट हैपनिंग बिकॉज वी वर जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड या दैट्स इट. खानदादी, आपको काफ़ी उन्होंने गलत बोला, उसके बावजूद आप उनके साथ जाके बैठे अभिषेक के, यानी जब काफ़ी वायलेंस पर्सनैलिटी है, काफ़ी लोगों को गलत कुछ बोला है अंदर, क्या कहना चाहोगे अभिषेक के बारे में? हाँ, तो पहली बात तो उनको वो चीज़ रियलाइज़ हुआ और ये बहुत बड़ी बात है, यू नो. किसी को अगर रियलाइज़ है अपनी गलती का और वो सुधार लाना चाहता है तो फिर डेफिनेटली उनको चांस ज़रूर देना चाहिए. और हर इंसान में होता है एक नेगेटिव साइड, एक पॉजिटिव साइड, मुझ में भी है, उसमें भी है, हम सब में है. तो मैं उस चीज़ को वैसे देखूंगी. एंड हाँ, मतलब ठीक है, कभी कभी हो जाता है. वो एक बहुत ही एक्सप्रेसिव इंसान है. वो हर चीज़, हर इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करता है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो पागलपन हो, चाहे वो उसका प्यार हो. तो मुझे लगता है कि उसको प्यार की बहुत ज़रूरत है. मतलब उसको नहीं, मतलब ऐसे इंसान को जो बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस को लेके एक्सप्रेसिव होते हैं. लेकिन खानजादी, ये भी जानना चाहेंगे, आपने बार बार अभिषेक से एक ही बात कही कि बाहर कैसा लग रहा होगा, कैसा लग रहा होगा, इसी वजह से होकर आपने नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाई या कोई और इंटेंशन था नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाने का? पता नहीं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही थी, यू नो. एक तो मैं बहुत ही डिस्टर्ब थी अपना मेंटल हेल्थ को लेके, और फिर लोगों ने भी बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था मुझे और अभिषेक को लेके. तो वो सारी बातें मुझसे नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए मतलब मैं कॉन्शियस थी कि पता नहीं वो क्या लग रहा होगा बाहर, मतलब मेरी फैमिली भी है, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे, मैं नेगेटिव लग रही हूँ या पॉजिटिव लग रही हूँ. तो मैं पूछती रहती थी कि कैसा दिख रहा होगा. खानदादी, अगर हम बात करें आपकी, क्या आप आगे रिलेशनशिप बढ़ाएंगे अभिषेक, क्योंकि जो जानकारी हमें मिली है अभिषेक काफ़ी थप्पड़ मारता है ईशा को, थप्पड़ काफ़ी मारा है उन्होंने घर पर, ऐसा खुद ईशा ने बताया. तो क्या आप तैयार है इस तरह के वायलेंस बिहेवियर झेलने के लिए, क्योंकि अभिषेक का इस तरह का है, मतलब खुद ईशा ने बताया है घर के अंदर ही, जब क्रिमिनल ऐसा वो लोगों ने कहा, इसके बारे में बात हुई, क्या कहना चाहोगे? ऑल्सो आप कितना अग्री करते हो ये ईशा की बात पर? देखिए, पहली बात तो मुझे जिस गली जाना नहीं उस गली का नाम नहीं लेना है. तो मैंने नहीं सोचा है इतना आगे तक कि झेलना पड़ेगा या ऐसा कुछ. वो बिग बॉस के घर के अंदर जो भी था वो घर के हिसाब से था कि हम लोग एक ही जगह में थे, बंद थे, तो एक दूसरे को देखते थे, हमें अच्छा लगता था. सो वी वर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर. मैंने कुछ सोच के नहीं रखा है कि उसको मुझे झेलना पड़ेगा या फिर मैं डेट करूँगी या फिर यू नो जो भी उसका है. डेफिनेटली किसी को अगर मैं डेट करना चाहूँगी देन आई मेक श्योर कि उस इंसान को मैं अच्छे से जानूँ. और ये इतनी छोटी बात नहीं है कि आप बस ये एक दो महीने में किसी को जान गए हो, ऐसा इट इज़ नॉट लाइक दैट, यू नो. इट टेक्स टाइम, यू नो. नहीं हो रहे थे, आपकी लड़ाई भी हुई उनके साथ, लेकिन जब बाद में एक और एक चीज सबसे ज्यादा वायरल हो रही कि आप दोनों ब्लैंकेट के अंदर किस कर रहे थे, वो आवाज आ रही थी, कितना फैक्ट है वो?
नहीं वो बिल्कुल नहीं था, पता नहीं वो क्या आवाज़ था या क्या था, आई डोंट अंडरस्टैंड, वो कुछ कह रहा था मुझे जो वो सना को नहीं सुनाना चाहता था, और फिर मैं भी उसको कह रही थी कि यू नो व्हाट लाइक शी इज़ आई मीन अच्छा नहीं दिख रहा होगा ये बाहर जो भी है, सो इट वॉज लाइक दैट। खानसादा आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छी गेम कौन खेल रहा है और आपको क्या चाहिए, कौन जीतेगा? मैं चाहती हूँ कि ये जो गेम है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शिद्दत से मुनावर, अभिषेक एंड अंकिता जी, क्योंकि ये लोग काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी डेस्परेट है और काफ़ी डेडिकेटेड है इस चीज़ को लेके। सो आई थिंक कि जो लोग अपना 100% दे रहे हैं उन्हीं को ही आगे बढ़ना चाहिए, और वो ये तीनों ही हैं मेरे। बस मुनव्वर की बात करें तो स्टार्टिंग में आपका बॉन्ड मुनव्वर के साथ अच्छा था, ऐसा क्या हुआ जिसके बाद यू नो आपका बॉन्ड मुनव्वर के साथ खराब हो गया? खराब नहीं हो गया, मतलब हमने एक डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। इट वाज बिकॉज ऑफ मनारा, क्योंकि मनारा यू नो सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, आपके घर में बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं इस चीज़ को लेके कि मनारा अपने फ्रेंडशिप्स को लेके काफ़ी पोजेसिव है, और उन्होंने मुझे काफ़ी सारे टैग्स दिया था कि मैं उसको लेके इनसिक्योर हूँ, मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, मैं उनके रास्ते पे आ जाती हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर कुछ होता तो आप लोगों को दिख जाता वो चीज़। तो उसकी जो गलतफहमी है उसको दूर करने के लिए मैं खुद ही दूर हो गई, मतलब जिन लोगों के साथ में वो क्लोज थी। मनारा की अगर बात करें तो जब इनिशियल डेज में आप रात में जब भड़क जाती थी, जो अंकिता भी बोलती कि रात में ड्रामा शुरू होता है, उस वक्त मनारा ने एक कॉमेंट किया था दैट यू आर नॉट नॉर्मल, वो भी अभिषेक और ईशा के साथ बैठकर। सो क्या कहना चाहोगे आप इस बात पर? सभी भड़क जाते हैं वहां पे, कोई दिन नहीं होता, रात नहीं होता। एक तो हमें समय का पता ही नहीं है क्योंकि बिग बॉस के घर में घड़ी भी नहीं है, तो लेकिन इतना पता है कि हर घड़ी बदलता रहता है, लोग भी बदलते रहते हैं, तो वो उनकी सोच है मुझे लेके, और ठीक है सबका अपना अपना सोच है। मुनावर को लेके आप क्या कहना चाहिए? जो एक छोटी सी क्लिक थी मुनावर ने इतना बड़ा बता दिया कि हाँ अंकिता को, अंकिता ने सब कुछ जान लिया, बाहर का सब कुछ जान लिया, मुनावर ने एक गेम खेला है, क्या कहना चाहोगे इसको लेके? बहुत काफी वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं अंकिता लोखंडे से, क्या कहना चाहेंगे? अनकंफर्टेबल नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो कैप्टन है, तो उनको एक इन्फॉर्मेशन मिला अबाउट अंकिता जी, तो उनको सिर्फ अंकिता जी से ये बात कहनी थी, लेकिन उन्होंने विक्की भाई को इंक्लूड कर दिया इसमें, जबकि बिग बॉस ने विक्की भाई के बारे में नहीं कहा था। तो जैसे उन्होंने शुरू किया कि विक्की भाई और अंकिता, तो विक्की भाई ने बिना उस चीज को समझे खुद बता दिया कि हाँ मेरा ये ट्रीटमेंट है। तो ये मुनावर का एक चालाकी है कि जो भी उन्होंने ये किया है, और वो बिग बॉस का क्या कहते हैं इसको, मतलब बिग बॉस ने कहा था कि आप जाके डिस्कस करिए कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो मुनावर ने बेसिकली उस चीज को डिस्कस किया घर वालों के साथ। मुनव्वर की अगर बात करें सो मुनव्वर के साथ जो भी आपका बॉन्ड था सो बॉन्ड था, बट आपने कहा था कि मुनव्वर पे मैं भरोसा नहीं कर सकती हूँ, आपने उन्हें चुछुंदर भी कहा। फिर उसके बाद जैसे ही सोनिया बाहर आती है, आपने सेकेंड वीकेंड के वार पर उस उनके जाने के बाद ये कहा कि तुझसे अपनापन लगता है, मतलब सडनली ऐसा आपने स्विच कैसा किया? एक बार आप बोलते हो भरोसा नहीं, एक बार आप बोलते हो अपनापन लगता है। शुरू शुरू में तो किसी को पता नहीं था, अब जैसे 2 महीने बीते तो हम एक दूसरे के बारे में जान पाए, तो शुरुआत में कुछ और ही था, और जैसे ही गेम बढ़ता गया तो चीजें भी अलग होती गई। इनिशियल डेज में नील, ऐश्वर्या, रिंकू, जिन्ना ये सब आपके साथ यू नो आ रहे थे, आपको समझा भी रहे थे, लेकिन बाद में चीजें अलग हो गई, तो बाद में आपने कहा कि इनके साथ मेरी इक्वेशन नहीं जम रही, वॉट एवर, वो किस बेसिस पे कहा? क्योंकि इनिशियल डेज से लेकर जब तक आपका बॉन्ड अंकिता विक्की के साथ नहीं था, तब तक उन्होंने आपका साथ दिया है, तो उस पर साथ दिया है इन द सेंस उनका अलग था, मतलब उसको मैं साथ नहीं समझूंगी, क्योंकि उनको ना एक टैग मिला था चुगलीखोर और शुगर कोटिंग, तो वीकेंड के वार पे बेसिकली उनको ये फीडबैक मिला था, और कहीं ना कहीं ये मुझे भी पता चला कि वो सामने से कुछ और है और मेरे पीठ पीछे कुछ और बातें कर रहे थे, कभी अच्छाई भी कर रहे थे, बुराई भी कर रहे थे, लेकिन मैं ऐसी हूं ना कि मैं वहां पर किसी को ऐसा नहीं देखती कि ये किसका क्या स्टेटस है या किसका क्या एज है या किस, एवरीथिंग इज इक्वल फॉर मी,
इन दैट हाउस, तो शायद मैंने बहुत सारी चीज़ें उनकी पढ़क ली थी और मैं मुंह पे बोलती थी जो उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं करता था जो मैं कर रही थी, तो इसलिए वो लोग भी कहीं ना कहीं शायद मुझे लेके थोड़ा सा, कैसे बताऊं, इनसिक्योर तो नहीं बोलूंगी ठीक है, लेकिन यू नो मतलब मुझे दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यू नो आपसे जाना, आपने जैसे कि आप बात करें, हम सलमान खान के साथ आप उठ गई जब वीकेंड के बाद था, उसको लेके काफी हुई क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट से आती, नॉर्थ ईस्ट से लोगों को काफी कम मौका मिलता है बॉलीवुड हो इतने बड़े प्लेटफॉर्म बिग बॉस में, लेकिन आपने उसको सही तरीके से मेरे को नहीं लगता कि यूज किया, मतलब लोगों को आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला और आप कह रहे थे कि मेरे को जाना है जाना है जाना है, ऐसा क्यों आपने अपना मन बनाया? हाँ, सो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मौका नहीं मिलता है, आई थिंक दे आर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल ठीक है, स्पेशली मतलब एंटरटेनमेंट इसमें, तो मुझे लगता है कि बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ, तो आई वॉज नेवर बीन अनग्रेटफुल अबाउट द शो, इट वॉज जस्ट दैट कि शायद मैं कुछ चीज़ों से अभी भी हील नहीं हुई हूँ एंड वो चीज़ मुझे फिर से सामना करना पड़ा और मैं टूट गई। ओके, आपके मेडिकल इश्यूज़ को लेकर यू नो बहुत बड़ा जो भी हुआ था टॉपिक निकला था, बट उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा लो दिखी, आपका इंटरेस्ट दिखा ही नहीं शो में, आपको आपके फैंस पर या यू नो ऑडियंस पर इतना भरोसा नहीं था कि वो डिफेंस करेंगे आपके लिए बाहर? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि तब जब मैं बिग बॉस आई थी मुझे कोई जानते भी नहीं थे नियर अबाउट, मेरे पास एक तो मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया में, तो यही इसलिए मैं आपको बोला कि नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा आप खुद ही अभी आपने मान लिया क्या कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी इतने बड़े प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता है, वही मैं आपको कह रहा, आपने खुद डिनाय किया, आपने खुद मान लिया अभी। क्या चीज मान लिया? कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता नॉर्थ ईस्ट के जो एक्टर्स होते इतने बड़े लाइमलाइट नहीं मिलता, और आपने उसे मैंने कहा मान लिया, मैंने माना ही नहीं। अभी आपने कहा कि आपकी फैन फॉलोइंग नहीं है तो आपको उन पे भरोसा नहीं था ऑडियंस? मेरी यहाँ पे फैन फॉलोइंग नहीं होना और मौका नहीं मिलना की बात क्या है? मौका इतने बड़े प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता है ना मैडम, वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है, मैंने बस इतना कहा है कि मेरी फैन फॉलोइंग कम थी बिकॉज आई वॉज नॉट एक्टिव सोशली, और फिर उसके बाद अभी मुझे वो चीज़ दिख रही है कि पीपल आर लविंग मी लाइक यू नो अनकंडीशनली सपोर्टिंग मी, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद अगर पूरे घर मेरे अगेंस्ट था तो शायद मैं नेगेटिव हूँ, मतलब मुझे खुद पे भी भरोसा नहीं आ रहा था वहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग सच कह रहे हैं घर वाले कि एक्चुअली आई वॉज लुकिंग नेगेटिव, बट यहाँ बाहर आने के बाद में पता चला कि इट वॉज नथिंग लाइक दैट, सो आई एम हैप्पी। फिल्म करना तो फिल्म का तो मैंने अभी नहीं सोचा है, लेकिन मैं जो मेरा म्यूजिक है यू नो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि म्यूजिक इज माय वेपन, यू नो म्यूजिक को लेके मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मुझे किसी चीज का डर नहीं है यू नो अगर म्यूजिक मेरे साथ है, तो मैं इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहती हूँ और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, बहुत सारे सरप्राइजेस ला रही हूँ मैं, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गाना नहीं सुने अरे हम दे देंगे नंबर, मतलब अच्छे अलग से क्या पूछ रहे हो, चलो आयुष।